आज 23 अप्रैल 2017 है। सामने के आ रहे हैं भैया, या तो बना ही दे आके, अब तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो का करी। ये देखिए, ये ब्याह शादी लाखों रुपए फूंक दिए जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए फूंके जाते हैं ब्याह में शादी में आए। देखिए कब शादी दी रही होगी। ये वहाँ का फेंका हुआ, ये हनुमान जी की सेना, हनुमान जी का प्रारूप, हनुमान जी से रिलेटेड बंदर हैं, वानर सेना। अब ये देखिए पूरी ये तमाम कचौड़ियाँ फेंकी गई, या तो बना दे बाकी ज़रा। अरे यहाँ क्या रहे अब यार, बड़ा अफसोस होता है। तो ये देख रहे हैं ये सब कचौड़ियाँ हैं, ये कचौड़ी और उबला हुआ आलू बच गया है शायद, वही फेंका गया है। तो उन्हीं में से ये लोग, इनको ये सब चटर मटर असाले मसाले पसंद नहीं है। वो एक बंदर वहाँ, एक बंदर ये है, ये सब खा रहे हैं, बाकी कुछ उस पार बैठे हैं। अब हम आ रहे हैं भैया, तुमको चारा पानी देंगे, वहाँ दीवार पर देंगे। अच्छा हाँ, हम चारा पानी आपको देंगे, दीवार पर देंगे, किनारे नहीं देंगे। तो एक व्यवस्था मैं दिखा रहा हूँ कि जितने हनुमान भक्त हैं, अंगूठी वाले, माला वाले हैं, और बजरंग बली के भक्त, ज़रा हमको आप जवाब देंगे हमारी सवालों का। ये क्या आप देख रहे हैं आँखों से, ये उबला है, यही कच्चा आलू उनको दे दिया जाए तो ये खा जाते, उसमें शायद नमक उमक पड़ा रहा होगा। अब दूर से हमको कम दिख रहा है ज़रा, ठीक, चूँकि ऑपरेशन करवाए हैं ना तो रोशनी बढ़ गई है डॉक्टर धर्मेंद्र और राव साहब के वजह से। तो ये क्या चीज़ भैया, आलू है या कचौड़ी ऐसा है? टिकिया है। हाँ ठीक, आपने हम बेटा वो यहाँ का ऑपरेशन करवाए हैं, डॉक्टर राव एक मर गए हैं, एक धर्मेंद्र साहब मर गए हैं, इसी एक महीना हुआ ये ऑपरेशन करवाए हैं, 21,000 लिया है। अच्छा। हमको नहीं दिख रहा है कि वो आलू है या टिकिया है। नहीं टिकिया है, वो टिकिया है। तो आपने देखा ये टिकिया उकिया बंदर इसलिए नहीं खाते हैं कि उनको टिकिया ना खाना पड़े कहीं, उनके दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है, उनके यहाँ कोई नहीं है। तो एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, यही अगर इसको गरीब बच्चों को बांट दो, वहाँ चौराहे पर तमाम झोपड़ पट्टी में लेके चले जाओ, लेकिन करोड़ों रुपए शान शौकत में फूंक देना, ये हमारे यहाँ का एक नियम बन गया है। मंदिर जाना, मंदिर में करोड़ों रुपए लगाना, ये एक फैशन बन गया है। मन उन अंधों से मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ, अभी बंदर भोज के लिए मैं आया हूँ, नित्य मेरा यही काम है। एक घोड़ा हमने देखा है प्रभु टाउन में, उसके बड़े से घाव हो गए हैं और कीड़े पड़ गए। इसके पहले एक गाय थी, वो मेरे यहाँ भर्ती, हम अकेले कहाँ तक करें, ये मर गए हैं लोग। क्या आप आदमी नहीं हैं, आप मनुष्य नहीं हैं, आप धर्म मंदिर की बात करते हैं। अरे चुल्लू भर पानी में ना डूब मरने की जगह हो, इस नाले में मर जाओ आ करके, ये गंदा सड़ा हुआ नाला है, अगर हाया शर्म हो तो है। अरे आखिर ये बंदर, कुत्ते, घोड़े, गधे, ये कौन है, हमारे रिश्तेदार हैं है? हम एक धर्म का प्रचार कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, हम बकबका नहीं रहे हैं। हम आपसे अपेक्षा चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप इस काम को करो, इसको आगे बढ़ाओ। हम योगी जी से भी मांग करेंगे, लावारिस जानवर जत्थे घूम रहे हैं, इनको चिन्हित किया जाए और गौशालाओं में उन्हीं गायों को रखा जाए जो जिनके जख्म हो, जिनके हाथ पैर टूट गए हों। अभी भूख के मारे देखिए हम नहीं रहा गया, फिर आई, अब उसी में बीच में थोड़ा सा खा रही है, ऊपर का जो बिल्कुल कुरकुरीदार, ये देखिए सब आँखों से देखते जाइए, आप देखिए सीखिए समझिए, लेकिन इस देखने के बाद आप अनजान बन जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे मंदिर, भागवत कथा को किसी गांव में चले जाइए, आप कथा कहिए कि साहब भागवत कथा होना है, वो 10,000 रुपये देगा, लेकिन किसी से कहिए कि एक घायल बंदर है, एक गाय तड़प के मर रही है, 10 रुपये दे दो, 5-10 पैसे नहीं आपको देगा। तो मैंने इसीलिए ये एक एक चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब मैं आगे चल रहा हूँ भोज करने के लिए, हमारी वीडियो लंबी हो जाती, भैया बना दो वरना सब हम ही बना देंगे, तो आप क्या करोगे हैं? अब आप बता रहे हैं गंदा है, अरे गंदा है, चलो हम यहीं आ जाएंगे, देव पकड़ो इसको बनाओ, इसको हम अभी बंद कर रहे हैं, अब दूसरी फाइल में इसको आपको बनाना है, जय श्री राम, क्योंकि फाइल बड़ी हो जाएगी, ठीक। अब ये यहाँ सब नरक मचा पड़ा है, अंगूर और रोटी ये सब लाए हैं, अभी इनको देंगे। हाँ भैया मिल रहा है, यही आपको दौड़ाता है, है? शायद खैर अब ये नहीं दौड़ाएंगे, देखिए हम धड़ धड़ाते इनके पास जाएंगे। हाँ अब ये